आर्या अदीरा 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 नहीं अदीरा। हेलो एवरीवन, ऑनलाइन पढ़ाकू चैनल में आप सभी का स्वागत है और ये है मेरा फर्स्ट ब्लॉग। जी हाँ, मुझे बहुत खुशी है कि आप इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं और मैंने एक नई शुरुआत की है। और इस फर्स्ट ब्लॉग में मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपने ट्यूशन क्लासेस के बारे में कि किस तरीके से मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, उनकी क्या मस्तियाँ होती हैं, क्या उनकी मीठी मीठी चुलबुली बातें होती हैं, किस तरीके से मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए एक्टिविटी प्लान करती हूँ और अपने पढ़ाए हुए कॉन्सेप्ट को रीचेकिंग के लिए मैं डिफरेंट टाइप्स के वर्कशीट बनाती हूँ। कुछ वर्कशीट्स मेरी हैंडमेड होती हैं, कुछ प्रिंटेड होती हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको वर्कशीट दिखाने वाली हूँ। जैसे आप देख सकते हैं, ये मैंने UKG क्लास स्टूडेंट के लिए बनाई है मैथ्स की वर्कशीट। ऐसे ही आज मैंने बहुत सारी वर्कशीट्स बनाई हैं। ये आप नेक्स्ट जो देख रहे हैं वो क्लॉक बेस्ड वर्कशीट है फॉर क्लास सेकेंड स्टूडेंट्स, और जो मेरी नेक्स्ट वर्कशीट है वो क्लास फर्स्ट के लिए है और वो हिंदी की वर्कशीट है। इसमें बच्चा मात्राओं को पहचान कर शब्दों में गोला लगाएगा। और इसके बाद जो मैंने क्वेश्चन दिया वो पिक्चर बेस्ड है, बच्चा उसमें चित्र को आइडेंटिफाई करके नाम लिखेगा। ये मेरे लिए भी टफ टास्क है क्योंकि मेरी ड्राइंग बहुत पुअर है एंड आई डोंट नो बच्चा पहचान कर सही नाम लिख पाएगा या नहीं, तो वो मुझे बाद में पता चलेगा। और इस तरीके से मैं हैंड मैट तो बनाती हूँ, साथ ही मैं प्रिंटेड वर्कशीट भी ऐसे ही बच्चों के लिए प्रिपेयर करती हूँ। बट मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि बच्चों को हैंडमेड वर्कशीट ज़्यादा अच्छी लगती है। वो जब मैं उनको कलरफुल वर्कशीट देती हूँ तो वो उसको सॉल्व करने के लिए बहुत ही एक्साइटेड होते हैं, उनको काफ़ी अच्छा लगता है हैंडमेड वर्कशीट सॉल्व करने में। वन टू थ्री फोर फाइव। हाउ मेनी आइसक्रीम्स आर देयर? वन टू थ्री फोर। यू हैव टू राइट थ्री One, two, three, four. There's what? And one. There's one. One, two. There's two. Pan. Kitab. Rat. Rat. Pan. तो इस तरीके से ये बच्चे वर्कशीट को सॉल्व करते हैं और आप देख रहे हैं कि ये बच्चा हर शब्दों को बहुत ही आसानी से पढ़ रहा है, उसके बाद ही इस पे गोला लगा रहा है। मुझे तो डर इस बात का है कि जो सेकंड क्वेश्चन मैंने प्रिपेयर किया है वो बच्चा पहचान पाएगा या नहीं। वैसे आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वो चित्र किस चीज़ के लग रहे हैं दोनों, क्योंकि मेरी ड्राइंग तो है पुअर। अब ये इस क्वेश्चन पर आ गई है, इसने खिड़की को तो आइडेंटिफाई कर लिया है, अब इसको थोड़ा साफ हैंड राइटिंग में लिखना है तो ये रेज करके लिख रही है। सेकंड पिक्चर में देखते हैं क्या करती है, नहीं पहचान पा रही है। ये मुझसे इशारे में पूछ रही है मैम ये कौन सी पिक्चर है, फिर मुझे फाइनली इसकी हेल्प करनी पड़ी। भालू, एक्चुअली मैं इसको हैप्पी फेस बनाना चाहती थी पर पता नहीं कैसे ये सैड फेस बन गया इसका। मुझे अपने ट्यूशन क्लास में ये डोरबेल वाला गेम बहुत अच्छा लगता है, जैसे मेरा न्यू स्टूडेंट आता है डोरबेल करता है वैसे ये दोनों बच्चे इतनी स्पीड से भागते हैं कि सच में बहुत फनी मोमेंट हो जाता है उस टाइम पे। और ये बच्ची प्रोनाउन की वर्कशीट सॉल्व कर रही है। आर्या अदीरा
आर्या अदीरा यहाँ पे बच्चों की ये मस्तियाँ, चुलबुली बातें चल रही हैं, इनकी कन्वर्सेशन कभी ख़त्म नहीं होती है। और इनको देखकर राइट करना है कि क्या टाइम हो रहा है। आई थिंक इसने पहले रॉन्ग लिखा था, 9:30 इसने लिखा था जबकि वो टाइमिंग थी 8:30 की। यहाँ पर ये कंफ्यूज हो चुके हैं कि ये एक्चुअली 5 हो रहा है या 6 की टाइमिंग है। लेट्स सी ये टाइम सही लिखते हैं या रॉन्ग लिखते हैं। ओ, इन्होंने सही लिखा है 5। मुझे इन बच्चों के साथ बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करते हैं। और जैसे जब हम छोटे थे तो हमारी एक हैबिट होती थी कि हम अपने दोस्तों के साथ पेंसिल की हाइट नापते थे, मेज़रमेंट करते थे कि किसकी पेंसिल ज़्यादा छोटी किसकी बड़ी है। कि मैंने बच्चों के लिए छोटा सा डस्टबिन बनाया, टेबल डस्टबिन, इसमें बच्चे पेंसिल शार्प करके उसका गार्बेज इसी में रखते हैं, तो इससे क्लीननेस भी रहती है और बच्चों को गार्बेज अपने बैग में नहीं रखना पड़ता। का रिमार्क, जब बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं तो मैं इस तरीके से स्टैम्प का यूज़ करके उन्हें गुड जॉब, वेरी गुड, इस तरीके के रिमार्क देती हूँ। इससे बच्चे खुश भी हो जाते हैं और ख़ुद को भी अच्छा लगता है कि बच्चों ने इतना अच्छा से हर चीज़ की प्रिपरेशन की है, बच्चे इतना अच्छा सॉल्व कर रहे हैं। और मुझे ऐसा पर्सनली भी लगता है कि अगर बच्चे कुछ भी अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं तो हमें उन्हें पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट ज़रूर देना चाहिए। इससे बच्चे और मोटिवेट होते हैं और अच्छा करने के लिए। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको मज़ा आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आपका सपोर्ट ही मेरे लिए सब कुछ है और आप लोगों के बिना ये सफ़र अधूरा है। आपके कमेंट्स और फीडबैक से मुझे मोटिवेशन मिलता है, तो ज़रूर अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर करें। मिलते हैं अगले नए ब्लॉग में।